सीधे आपको लेके चलते हैं कार्यक्रम की तरफ। और देखिए सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यक्रम में, ये लाइव तस्वीरें जयपुर से, फर्स्ट इंडिया न्यूज की विशेष प्रस्तुति खास कार्यक्रम मेरे राम, और मेरे राम में शामिल होने के लिए सीपी जोशी भी पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए। और देखिए किस तरह से दुपट्टा उठाकर अंदर स्वागत उनका किया जा रहा है, फर्स्ट इंडिया का हर एक सदस्य मौजूद है वहां पर उनके स्वागत सत्कार के लिए। और देखिए यह अंदर जाते हुए सीपी जोशी, क्योंकि देखिए हर किसी में उल्लास होता है, हर किसी में आस्था होती है, और वही आस्था का भाव लगातार देखने को भी मिल रहा है। लगातार जो मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। राजनीति से जुड़े तमाम मेहमानों को आपने देखा, और अब क्योंकि सीपी जोशी भी वहां पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए, और देखिए किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर उन मेहमानों की तस्वीर, सीपी जोशी की तस्वीर जो कि वहां पर पहुंचे हैं कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए। और देखिए किस तरह से सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने स्वागत किया है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का, और देखिए फूलों का गुलदस्ता भेंट कर ये स्वागत सत्कार की तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और देखिए स्वागत के साथ अब कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए आपको सीपी जोशी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इसी तरह से कार्यक्रम लगातार जारी है और कार्यक्रम की लगातार तस्वीरें भी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से 22 तारीख इंतजार तो है ही, पर आस्था का भाव किस तरह से देखने को मिल रहा है। किस तरह से राम नाम का जाप किया जा रहा है, हर कोई इस राम नाम के रंग में रंगा हुआ है। एक तरफ जब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मधुर भजन जो कि माहौल को और भी ज्यादा अच्छा बना देते हैं। हमें निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन धारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी एक कर्मशील व्यक्ति को चुना है, नरेंद्र मोदी जी को चुना है, कि उन्हीं के हाथों भूमि पूजन हुआ। और कई वर्षों पुराना सपना, देश दुनिया में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग जो उस स्थान को आस्था का केंद्र मानते हैं, मैं सोचता हूं कि अयोध्या जी अब देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। और आज इस मौके पर फिर से मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत शुभकामना देता हूं।
भक्ति भाव से जाओ तो है कर दुखों से पार पवन सुख बिनती बारंबार।